नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकर, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं बताऊंगा ये कोलियस का रिपोर्टिंग करके रिपोर्टिंग कैसे करना है और कोलियस के बारे में और भी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इसके ऊपर पूरा मैं जानकारी दूंगा। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है, तो और इसको अभी जो फिलहाल जिस पॉट में मैंने इसको उगाया था ये इसके लिए छोटा है, तो इसको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है ताकि इसका ग्रोथ जो है ठीक ठाक मेंटेन रहे और अच्छा, मतलब कहना इसका शेप भी अच्छा हो जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा जो वीडियो है देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले जो है इसको रिपोर्टिंग करने से पहले मैं पॉट के बारे में आपको बताता हूँ। ये कम से कम जो है 10 इंच वाला जो है पॉट आपको लेना चाहिए, 10 से 12 मतलब 12 इंच भी अच्छा है। तो इससे छोटा अगर इसमें आप लेंगे तो इसका जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो चलिए पॉट का मैंने बात किया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सॉइल इसके लिए जो है ये वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। तो ये वेल ड्रेन्ड है, इसमें रेत है दोस्तों, तो ऑल जो है 3 इक्वल पार्ट्स में जो है गार्डन सॉइल देन ये गोबर की खाद और रेत मिला के ये जो मिट्टी तैयार किया, ये जो पॉटिंग सॉइल जो है मैंने तैयार किया। तो ये वेल ड्रेन्ड होगा पक्का, मतलब जो है इसमें पानी रुकेगा नहीं, लेकिन इसके लिए जो है दोस्तों ये इसके लिए मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन इतना भी मतलब कहना वेट नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो सैंड है वो मतलब पानी को जो है ड्रेन आउट तो करेगा लेकिन जल्दी उसमें ड्राई आउट भी हो जाएगा। आप कोकोपीट का इस्तेमाल ना करें, कोकोपीट का इस्तेमाल करने से ये ज़्यादा जो है मिट्टी को गीला रखेगा, वेट रखेगा, तो उससे जो है इस पौधे का जो रूट्स है वो गलने की संभावना होता है। तो इसलिए रूट्स मतलब ख़राब हो जाएगा तो फिर पत्ता जो आपका जो प्लांट्स है वो बिल्कुल जो है ख़राब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको पहले जो है मैं इसको स्पॉट से निकाल लेता हूँ। तो स्पॉट से निकालने के लिए तो मैं बता देता हूँ, ये जो चाकू है चाकू से इसको किनारे से इसको पहले से इसको जो है इसको थोड़ा सा ये ढीला कर लीजिए, इसको थोड़ा सा मतलब काट के उसके बाद जो है इसको उल्टा करके इसको निकाल देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो मैंने निकाल लिया स्पॉट से और इसको जो है थोड़ा बहुत मिट्टी इसको निकाल दिया और इतना मिट्टी रख लिया। तो दोस्तों पहले इसको अभी जो है रिपोर्टिंग कर दूंगा, तो पहले थोड़ा बहुत मिट्टी भर के उसके बाद जो है मैं इसको रिपोर्टिंग कर दूंगा। अभी ये ठीक लग रहा है दोस्तों, इसको भी मिट्टी जो है इसको भी डाल देते हैं। ये देखिए ये ठीक है, बिल्कुल जो है बीच में इसको डाला है और साइड से इसको जो है मिट्टी इसमें डाल देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इसका जो रिक्वायरमेंट्स और जितना रिक्वायरमेंट्स है इसका मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है अभी। तो इसका और रिक्वायरमेंट्स जैसे सॉइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए और इसका जो वाटरिंग दोस्तों, ये वाटरिंग इसमें देख के करना पड़ेगा, मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन ये वेट नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा तो फिर इसका जो रूट्स है वो गलने की संभावना रहता है, तो इसीलिए वाटरिंग जो है आप देख के कीजिए। आप जब जैसे देखेंगे कि मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है तब भी इसको वाटरिंग कीजिए। गर्मी में बेशक इसको आप एक बार अगर एक से दो बार भी अगर ज़रूरत पड़े तो इसको वाटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों इसका जो सनलाइट है, ये इसको आप डायरेक्ट सन तो रख सकते हैं, कुछ कुछ जो वैराइटीज़ है उसको आप रख सकते हैं, लेकिन हर वैराइटीज़ में आप उसको डायरेक्ट सन में मत रखिए। तो डायरेक्ट सन अगर पार्शियल सन में अगर रखेंगे तो अच्छा है, पार्शियल शेडी एरिया जो है इसके लिए अच्छा है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों फर्टिलाइज़र, वो तो 2-3 महीना में अगर एक बार फर्टिलाइज़र आप इसको दे देंगे तो इसके लिए बहुत है। तो बाकी ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है,
आप इसको बगीचे में उगाएंगे तो बहुत ही अच्छा, मतलब क्या ना, आपका बगीचा का जो ब्यूटीनेस है वो अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा बढ़ेगा। और इसका जो ये देखिए, ये जो प्रोपगेशन है, ये कटिंग्स के द्वारा प्रोपगेशन कर सकते हैं आप। दूसरा जो है, आप इसको इसका जो स्टेम है इसको काट के आप अगर पानी में रखेंगे तो इसका जो रूट्स है वो ग्रो होता है, और उससे भी आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो कटिंग्स के द्वारा ये अच्छा है, कैसे भी, मतलब क्या ना, आप इसको कटिंग्स के द्वारा आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजी ग्रोइंग है। आप इसको काट के, मतलब जो ना थोड़ा बहुत जो स्टेम है उसको आप डाल के रखिए मिट्टी में, और थोड़ा सा वाटरिंग करते रहें, तो फिर इसको इसका जो ग्रोथ है वो रूट्स जो है वो आप आसानी से ग्रो हो जाता है, और ये बहुत ही मतलब अच्छा देखने में लगता है बगीचा में आपका अगर रखेंगे तो। आप देखिए इसका स्पॉट में जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसको रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्टिंग मैंने कर दिया अभी, तो ये करीबन 2 महीने का पौधा है ये, तो बिल्कुल जो है छोटा सा था, मैंने इसको कटिंग्स मतलब इसमें डाला था, तो उसके बाद मतलब ये इतना ग्रोथ हो गया। तो देखिए ये अच्छी तरह ग्रोथ कर रहे हैं और अच्छा मतलब देखने में भी लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस जानकारी से आपको फ़ायदा होगा, अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसको लाइक है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।